हाँ जी दोस्तों, जिवें कि तुहानू पता है, थंबनेल तो तुहानू पता लग गया होगा कि जमात 8वीं दा सितंबर दा जिहड़ा कि फाइनल टेस्ट पेपर है, सितंबर दे विच जिहड़ा कि होण जा रहा है। तो आपां उह देखांगे कि उसका जिहड़ा पेपर पैटर्न है ते किन्ने मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो तुसीं देख सकते हो जिहड़ा कि 80 मार्क्स का पेपर तुहानू आना है, 3 घंटे का समा होगा। बहुत जिहड़े कि जरूरी क्वेश्चन ने वो इस पेपर दे विच तुहानू दित्ते गए ने, क्योंकि ये पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों जिहड़े सैंपल पेपर जारी हुए ने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। इन्हां नू वो बच्चे जरूर करके जाणगे जिहड़ां नू लगता है कि असी पास नहीं हो पावांगे। ठीक है, जिहड़े बच्चे तो इंटैलीजेंट हैगे ने, वो तो ए वाली चीज़ भी करके जाण ते बुक तो भी पढ़ के जाण, तो वो पूरे मतलब 90+ मार्क्स ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हां सारे बच्चों लई है जिहड़े कि 8वीं क्लास के मैथ के पेपर चो वधिया मार्क्स लैना चाहते हैं। चलो आपां वीडियो नू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2/3। हुण आपां एवें ना कहो इंग्लिश मीडियम से सेंड कर दो, पंजाबी मीडियम से सेंड कर दो, मैं दोनों दे विच समझाऊंगी। हुण जिहड़ा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो मैं इसलिए आपां थोड़ा 1 मार्क्स नू जल्दी जल्दी करते हैं, ता जो असी जिहड़े 2, 4, 6 मार्क्स दे उन्हां नू ज़्यादा टाइम दे सकी। तो मैं इन्हां दे आंसर दस दिंदी हां। 2/3 का जिहड़ा कि एडिटिव मल्टीपल इनवर्स किहड़ा हो सकता है, तो तुहानू सब नू पता है जो 2/3 नू आपां लिखदे हां तो -2/3, तो इसका राइट आंसर कहड़ा -2/3। नैक्सट हैगा सैकेंड हैगा -1, तो इसकी प्रमेय संख्या केड़ा गुण रैशनल नंबर केड़ा गुण दर्शा रहा है। ठीक है, केड़ा गुण दर्शा रहा, मतलब केड़ा इस प्रॉपर्टी केड़ी लग रही है प्रमेय संख्यावां विच क्रम वटांदरा, तो इसका बी ऑप्शन आंसर है। नैक्सट समीकरण 16/9, 5/7+1, तो इजिकल टू किस दे बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हैगा सी। देखो इधर 16, 5/3, तो इधर किन्ना आऊगा 13/4। नैक्सट आप देखते हैं दी गई संख्यावां रेखा ते इन्हां विचों केड़ा अक्षर 5/3 नूं दर्शाउंदा है, तो इन्हां विचों केड़ा दर्शाउंदा है, तो फोर्थ आंसर जिहड़ा कि हैगा ए ऑप्शन ई नूं दर्शाउंदा है 5/3। नैक्सट हैगा 3x+13 = -8, 5वां क्वेश्चन। तो यह समीकरण विचों केड़ा हल है, तो यह केड़ा हल हो सकता है, तो इसका राइट आंसर जिहड़ा कि हैगा है ए ऑप्शन x-7। नैक्सट, रमन की माता जी की वर्तमान उम्र, रमन की वर्तमान उम्र तो 3 गुणा है, जेकर माता जी की वर्तमान उम्र 27 साल हो, रमन की वर्तमान उम्र कितनी होगी, तो इसका जो राइट आंसर हैगा 6वें का, वो हैगा ए 9 साल। तो प्लीज़ जो चैनल पर नवे हो चैनल में सबसक्राइब कर लो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी SST जोड़ा भी 8th क्लास का पेपर होगा इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। कमेंट करके दस्यो थानू कि पेपर चाहिए ने, चैनल में जिन्होंने सबसक्राइब कर लिया वो भी दसणगे मैं। ठीक है, नैक्सट आप देखते हैं 7th, कोई भी संख्या 5 नाल भाजयोग है तो उसके इकाई के स्थान पर हेठ लिखिया विचों केड़ी संख्या होगी, तो इसका जिहड़ा राइट आंसर हैगा वह केड़ा हैगा 7th का, 0 या 5। ठीक है, नैक्सट, जे एक संख्या 2 नाल भाजयोग है तो हेठ दित्ती केड़ा अंक इस संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, तो 8th का आंसर जिहड़ा हैगा और ऑप्शन बी, तो 1 नहीं हो सकता। हेठ लिखिया विच संख्यावां विचों केड़ी संख्या 3 नाल वंडन योग है, 3 नाल कि वंडी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हैगा 134। तो ठीक है, सारे समझण वाले आम क्वेश्चन ने, सानू समझ आ जाएंगे। जेकर एक समांतर चतुर्भुज जिहड़ी कि एक होए समांतर चतुर्भुज है ABCD ए जिहड़ा इजिकल टू है क्वाड्रिलेटर 60° है, तो सानू कौन सी का माप पता करना है, तो इसका जिहड़ा ऑप्शन होगा 60° होगा, क्योंकि 60° के होंगे ने। ठीक है, अगे एन भुजावां वाले एक उत्तल बहुभुज के कोणा का जोड़ किन्ना होंदा है, तो एक उहदे बहुभुज के जोड़ा का कोण जिहड़ा कि होंदा है वह किन्ना होंदा है N-2 180। ठीक है, किहड़े चतुर्भुज के सारे कोण समकोण होंदे ने, ये तो सिंपल है 90° पूछे ने, 90° तुहानू सब नू पता है किस दे होंदे ने आयत दे। इन्हां विचों किहड़ा पूरण घन नहीं है, पूरण घन किहड़ा नहीं हैगा 108, बाकी सारे पूरण घन है, इन्हें मतलब स्क्वेयर हैगे ने, सब दे स्क्वेयर पता है ना तुहानू, जिहड़े स्केयर वाला चैप्टर है थोड़ा 108 दा नहीं हैगा, 80 दी 2 ते 81 दी 2, मतलब 80² एंड 81² जिहड़े संख्यावां दे जोड़े दे विचकार किन्नियां गैर वर्ग संख्यावां आउंदियां हन, मतलब किन्ने जिहड़े इहदे विच किन्ने नंबर आउंदे ने इहदे विच लाई करदे ने, तो इसका राइट आंसर हैगा ए 160 जिहड़ा किहदा आ सकदा है। ये बस तुसीं कुछ नहीं 80 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करना है, 80 नू 2 ना करे कि ना आता है फिर 160, इदा ही बस सारे सम करीते होंगे ने इस तरीके दे। ठीक है, अगला देखो जिहड़ा इसका हैगा 3 अंकों की सब तो छोटा पूर्ण वर्ग केड़ा है 100, तो इसका राइट आंसर हैगा 100। तो मिलान चिन्ह निम्न किस है, इसकी हैगी 12 बारता, अगर खाली थावे देख लेंगे -7/8, 4/21,
तो इसका राइट आंसर आएगा -1/6। अगर समीकरण 3x-4=1 -2x का हल है डैश, तो इसका राइट आंसर आएगा 1। तो 3x-5 9 ने वंडिया जाए तो x की गिने तो इसका आंसर भी हैगा 1। एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है जिस दी भुजावां बराबर होण, तो इसका राइट आंसर केड़ा हैगा है भुजावां लागमी भुजावां। अगे वर्ग अंतराल 26-33 विच 33 इसकी डैश है, तो इसकी डैश की आऊगी उपरली सीमा। ठीक है, तो बच्चे कॉपी पेन नाल लैके बैठे हुण असीं जिहड़े 1 मार्क तो बाद क्वेश्चन करांगे तुसीं कॉपी ते बैठ के नोट करने ने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। अगला देखो 500 दे वर्ग विच किन्नियां सिफरां हुंदियां ने, तो 500 दे वर्ग दे विच किन्नियां हुंदियां 4। ठीक है, जेकर किसी संख्यावां दा इकाई अंक 7 होवे तां इस दे घन दी इकाई अंक किन्ना होवेगा, तो किन्ना होवेगा 36। ठीक है, 38 दे घन दी इकाई अंक किन्ना होवेगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 6। नैक्सट आप सही गलत देखते हैं हूँ, सही गलत -7 का गुणात्मक उल्ट 19/7 होगा, तो इसका आंसर आएगा गलत। ठीक है, नैक्सट क्योंकि माइनस का निशान भी आना सी, इसलिए गलत है। समीकरण 3x+5=23, तो x=3 होगा, नहीं ये भी की है गलत। तो कोई जे कोई 3 नाल भाग योग है तो 9 नाल भाग योग हो सकती है, तो यह सीगा सही क्योंकि 3 का टेबल 9 का टेबल। हरेक वर्ग एक आयत भी हुंदा है, हाँ इसका राइट आंसर है हरेक वर्ग एक आय, ऑल रैक्टेंगल्स आर स्केयर या ऑल स्केयर आर रैक्टेंगल्स। पाई चार्ट विच सारे केंद्रीय कोणों का जोड़ 360 हुंदा है, तो इसका भी राइट आंसर जिहड़ा की हैगा है सही। तो नैक्सट जिहड़ा हैगा एक चतुर्भुज रचना की गई जिसे 4 भुजावां का माप दिते जाण, यह हैगा गलत। 1000 एक पूर्ण वर्ग है सही, तो 86 इकाई स्थान 6 होगा, यह भी की है सही। चलो आप हुण जिहड़े मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले आप बच्चों कॉपी पेन ले लो, चैनल में सबसक्राइब कर लो। सब तो पहला नोटिफिकेशन थोड़े फोन पर थोड़ा मिलेगी जो भी कोई पेपर जिहड़ा कि अपलोड किया जाऊगा। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब तो जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन हैगा -1 × -2/5 का गुणात्मक उल्ट, मतलब एडिटिव इनवर्स जिहड़ा कि आपां कढ़ना, एडिटिव नहीं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कढ़ना है, तो उसके लिए की है -1 × -2/5, माइनस ना माइनस कट जूगा कि आजगा 2/5। -2 नालों वड्डियां 4 प्रमेय संख्यावां पता करनी है, हुण -2 नालों केड़ियां वड्डियां होंगे, देखो 2, 1, 0, -1, ये -2 तो की होणगियां वड्डियां। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन पर वधदे हां। अगले क्वेश्चन के थानू ए बी सी पता करना है कि ए बी और ए केड़ा केड़ा लिता गया है, तो देखते हैं आप 5 दे विच जेकर आप 7 प्लस करिए, ठीक है, तो कितना आंदा है 12, मतलब ए थोड़े साढ़े जोड़े कि सेम होने चाहिए ने, जे आप ए 2 लेंदे तो 2 ए उपर आना चाहिए। ठीक है, हुण इत्थे 3 है, इत्थे 6 है, ठीक है, इत्थे 12 आया सी, 12 तो एक उपर कैरी चले गया, हुण 3 तो 4 हो गए, 2 नंबर होर चाहिए ने ना कि 6 बन जाए, तो 2 इत्थे लावांगे। हुण देखो ए इत्थे भी 2 आ गया, ए इत्थे भी 2 आ गया, तो इस नाल साडा ए वाला राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला नैक्सट देखते हैं, जेकर समझ आ रहा है बच्चे प्लीज़ कमेंट करके दस्सो कि हाँ जी सानू समझ आ रहा है। अगला 7th क्वेश्चन देखो, एक सम बहुभुज दीआं भुजावां दी संख्यावां पता करो जिसके हरेक बाहरी कोण किन्ना होगा 45 डिग्री का, तो इसका जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा है नंबर ऑफ साइड, इंग्लिश दे विच भी मैं दस रही हाँ, भुजावां दी संख्या बराबर है डिग्री अपॉन जिहड़ी भी थोड़ी की होगा थानू एंगल दिता होगा। ठीक है, फिर हुण नंबर ऑफ साइड तो पता नहीं है कि सानू, तो 360 एंगल किन्ना दिता हो गया उन्होंने 45, आपां कटिंग करांगे किन्ना आजूगा 8, फिर नंबर ऑफ साइड किन्नियां होंगे, भुजावां दी संख्या किन्नी हैगी है 8, किन्नी है 8। ठीक है, नैक्सट देखते आप 8th क्वेश्चन है, 729 का वर्गमूल पता करो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन थानू सबनू पता होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड ला लो, डिविजन मैथड ला लो, थोड़ी मर्जी, मैं डिविजन मैथड ला रही हाँ, 1 × 9 का 2 × 2 का आप करते होंगे 4, क्योंकि पहले पेयरिंग कर लेंगे, फिर 7 बचे 2 × 2 का 4 आ गया, फिर 4 चुके 3 × 2 = 9, 2 + 2 किन्ने होंगे ने 4, हुण आप 4 कि करिए कि 3 × 2 = 9 आए, तो कि दो चीज़ों मल्टीप्लाई करके 9 आता है, तो 3 × 3 ना, इतने सेम लेने होंगे, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ठीक है, इतने कि 12, मतलब ये नहीं है, होर कि मतलब दोनों मल्टीप्लाई करके आता, देखो तो आप 7 देखते, 7 7 का 49, ठीक है, 7 7 का 49,
7 4 दा 28 29 30 31 32। ठीक है देखो आ गया ना थोड़े सामने, इतने भी 7 लवेंगे इतने भी 7 लवेंगे 3 2 9, तो इस दे नाल जिहड़ा कि हैगा है पूरा पूरा चले गया। तो आप हुण किस तरीके नाल लिखांगे जिहड़ा इहदा आंसर होगा, आप लिखांगे ठीक है बच्चों नोट कर लियो √729 एंड दे विच लिखांगे 27। ठीक है बस यही वर्गमूल पता हो गया। अगर की 90 एक पूर्ण वर्ग है कारण सहित तो 90 नहीं, आप लिखांगे नो क्योंकि कोई पूर्ण वर्ग संख्या टांक सिखरा नाल खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इतने टांक आया है ना। ठीक है तो फिर तुसी अगे लिखा इंग्लिश दे विच लिखांगे नॉट एनी नंबर ऑफ पूर्ण मतलब पूर्ण वर्ग नूं आपां कहांगे परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है तो एनी नंबर विद द परफेक्ट स्क्वेयर डू नॉट एंड विद द इवन नंबरस ओड नंबरस। ठीक है सॉरी ऑड। अगे वो छोटी तो छोटी संख्या पता करो जिस नूं 81 नाल वंडन ते भागफल एक पूर्ण कण बन जावे, वो सब तो छोटी संख्या लभनी है। फिर आपां 81 दा की करांगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 81 लिखिया 3 ते गया 27 आ गया, 3 ते गया 9 आ गया, फिर 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। ठीक है बस यही इज़ द राइट आंसर है। ठीक है 8000 दा कणमूल पता करो मतलब स्केयर पता सॉरी क्यूब पता करना है, आप क्यूब कढ़दे हां तिन्ना तिन्ने जड़े कि साढ़े आने चाहिए ने, तो आप 8000 लिखते हैं इत्थे। ठीक है 2 दे नाल कीता 2 2 दा 4 0 0 0 फिर 2 2 दा 4 0 0 0 2 1 दा 2 0 0 0 2 5 दा 10 0 0 फिर 2 2 दा 4 2 5 दा 10 0 फिर 2 2 दा 2 2 दा 4 2 2 दा 4 2 2 दा 4 2 2 दा 4 2 5 दा 10 फिर हुण 2 3 जाना हुण किते जाऊगा 5 ते फिर 125 आ गया। ठीक है उतो बाद फिर 5 ते फिर 25 आ गया, इत शायद 2 ते चले जाता है। ठीक है फिर 1 आ गया, देखो 3 3 ते आ 5 और 5 ही है सॉरी। ठीक है 3 ठीक है 3 3 दा बन गया पेयर, तो ये किहड़ा साडा जिहड़ा क्यूब निकल गया है तो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है जो भी इन्हों का मल्टीप्लाई करके आऊगा दस दियो। तो भाग ईडी दे विच जिहड़े कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन ने राहुल अते हुनर दा दी वर्तमान प्रेजेंट एज जिहड़ी कि हैगी 5:7 है, तो आफ्टर 4 ईयर दी एडिशन सम ऑफ द सम ऑफ द एजिज इज़ इक्वल टू 56 ईयर्स, वट इज़ द प्रेजेंट एज उन्हों की हूँ की उम्र किन्नी है, जो उन्होंने जो 56 साल बाद 4 साल बच जाती है तो आप इसका देखते हैं कि राइट आंसर है। तो सब तो पहला आप करा जो लैट करा लैट एजिज किन्नी है राहुल राहुल पंजाबी लिख लियो राहुल आर लिख दें मैं कला 5x तो दूजा हूनर एच बराबर हैगा है 7x। ठीक है उन्होंने दोनों के 4 4 साल जुड़ते हैं क्योंकि 4 साल बाद 5x भी 4 साल व्डा हो जूगा, तो दूसरा भी प्लस 7x भी कि 4 साल व्डा हो जूगा 4, तो जोड़ कि आता उन्होंने 56। फिर आप एक्स एक्स वाले जोड़ा एक्स एक्स वाले जोड़े तो किन्ने हो गए 7 5 किन्ने हो गए 12, 4 और 4 किन्ने हो गए 12, एक्स 4 4 किन्ने हो गए 8 इजिकल टू 56। ठीक है हुण आपां 12x बराबर है 56 माइनस 8। ठीक है फिर 12x चो 56 माइनस 8 किते मैं इधर साइड ते कर दियां 12x किन्ना आ गया 48। ठीक है एक्स बराबर है 48 वटा क्या करांगे 12। ठीक है हुण 48 अपॉन 12 हो गए तो कटिंग करके किन्ना आ गया एक्स वटा 4, तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20 तो 7 × 4 इज इक्वल टू 28। ठीक है बस ये आपां एजिस दे विच जिहड़ा एक्स सिलेक्ट करिया तो ऐड करता 5x दे विच एक्स की वैल्यू पुट करती 7x दे विच वैल्यू पुट करती। ठीक है आंसर आ जूगा, बस पहले एक्स की वैल्यू कट लो एक्स नूं पुट कर दो।
अगे नैक्सट मैनू नहीं कराने की जरूरत क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, उपर वाला ईजी है, एवं कर लियो तुम एक चैप्टर के। अगे 13 देखो समीकरण हल करना है, इस दे विच कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 नूं आपां उपर वाली नाल करांगे तो की आऊगा 5x-5, ठीक है। इधर ये बराबर पा के करांगे 3x-3, इनू सोल्व किया 5x-25=3x, 3 का 9, x वाले कट्ठे कर लेने 5x-3x=नंबर कट्ठे कर लेने -9 ते 25, ये होएगा 2x। इधर प्लस माइनस माइनस 25 चो 9 गए 16, हूँ एक्स बार कढ़िया 16/2, कटिंग 2/8 का 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। मैनू पता है कि थोड़ा समझ लग गया होगा, बस समीकरण हल करने से एक्स की वैल्यू कढ़नी सी जो कि आप कढ़ दित्ती है। इस दे नैक्सट वाला देख लो, 14 किसी समांतर चतुर्भुज के 2 लागमें कोणा का अनुपात जिहड़ा कि हैगा 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सारे कोणा का माप पता करना है, तो उन्होंने जिहड़े दोने जिहड़े डायगनल दिते हुए ने तुसी इक्वल करने ने, ठीक है। इक्वल करन दे नाल जिहड़ा तुहाडा की हो जाऊगा, पहला अनुपात पता कर दे, जिहड़ा नीचे वाला है आह वाला तो तुसी इक्वल करने ने 20 इक्वल इन्ना तो यह वाला इक्वल इन्ना, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकल जूगी थोड़ी। मैं उस तो उपरला 14 करवा दें, वो कहें एंगल ए जड़ा है आप 3x मान लेंगे, एंगल बी जड़ा है कि मान लेंगे 2x। आ देखो जिदा अनुपात दिते हुए ने, तो उस तो बाद आप दोनों प्लस करते हैं तो एक एंगल तो लागवें कोण जोड़े संगत कोण होंगे ने तो कि बराबर होंगे ने 1x 3x 2x 180 के, दोनों प्लस किया कि आ गया 5x=180, एक्स बार कट लिया 180/5, ठीक है। आप कटिंग करांगे 5x-180 ना कि आंदा है 36, ठीक है। हूँ 36 साढ़े एक्स की वैल्यू आई है, हमेशा याद रखो इतने क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर जोड़ा असं प्रलैक्ट करा ना एंगल A=2 3x, असं 36 भरेंगे एक्स की जगह तो कि आ जाऊगा 108, तो एंगल बी का भी इस तरह 2x मनिया से 2×36 आ जाऊगा तो कि आ जाऊगा 72, ठीक है। नैक्सट हूँ आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है 15, ये कंसट्रक्शन करनी है। कंसट्रक्शन मैं थोड़ा मोटी जी दस दी क्योंकि हूँ मैं इस फोन के उत्ते प्रकार पेंसिल स्केल ले नहीं सकती, तो ये जरा PR आप PR तो स्टार्ट करते, सब तो वड्डी जी है 7 cm की ले ली, चतुर्भुज बनाना है PQRS। आप उरे रख के उपर लवेंगे PR तो क्यू जोड़ा सा उपर होगा, ठीक है। PQ कि लिती आप 4 cm की, तो 6 cm की लिती QR, तो नीचे बचे SSRS किन्नी लिती आप 6 cm की, तो PS किन्ने की लिती, इतने कटिंग चाप लगाए उसके ना स्केल के ना कि लिती 5.5 की। बस ये सिंपल सीगा, इदा ही बनाऊंगे नंबर मिल जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो, एक चतुर्भुज की रचना करो जिस दे विकर्णा दी लंबाई इन्नी होवे ते सम इन्ना, मतलब डायगनल ये बनाने ने, बाकी जिहड़ी उहदे बाद तुसी जॉइन कर देने लैटर। तो जिहड़ा डायगनल सब तो वड्डा पहला 6.6.4 दा तुसी एवें रेखा खिंचोगे, कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। तो हुण 5.2 है, 5.2 नूं पहला तुसी 2 नाल डिवाइड करना है, 2 नाल डिवाइड करन ते किन्ना आऊगा थोड़े कोल 2.6, मतलब 2.6 दी उपर नूं इत्थे रेखा बना के उपर चाप लानी है। ठीक है, इतने उपर लगानी है तो 2.6 की इतने लगानी है, ठीक है। बस फिर इन्हों एवें जॉइन कर देना, को वाली चीज़ जी कि बन के तैयार हो जाएगी। अगे भाग सस्सा करते 17 क्वेश्चन है, सबनों टैली मार्क आते हैं, बहुत मतलब सो ईजी क्वेश्चन है। तुम्हें बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के इतने लिख लेना W, इतने लिख लेना G, इतने लिख लेना B, बस WGB ही है, एक है M, ठीक है। मैं लिख लेना W जिन्नी बार आई जाते ना उन्नी, हूँ देखो इतने एक बार आया, मैं एक बार लाइन खिंच, फिर एक बार एक, फिर एक बार आया एक खिंच देनी, फिर आया एक खिंच देनी, फिर आ गया फिर उपर खिंच देना। उदे जी दे जी आ मैंने दिखाया एक एक आ दिखाया, जिदा जिदा दिखे जाते बना के उरे नंबर लिख देने कि 3 बार आया सी, 4, 8 बार आया सी, 10 बार आया सी, नीचे टोटल कर देना, बस इन्ना करके आना है। पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे तो वधिया तरीके साफ सुथरा डायग्राम बना के आना है, तो वधिया तरीके दे नाल करके आना। नीचे वाला जिहड़ा क्वेश्चन है 18, हुण ये भी एक होस्टल दे विच पाई चार्ट बनाना है। जिहड़े पाई चार्ट हुंदे ने ना हमेशा उहदे लई ना पहला
ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 40 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 40 ਅਪੋਨ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 72 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 360। ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 200। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 200 ਆ, ਮਤਲਬ 200 ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਡਿਗਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 200 ਡਿਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 12 ਅਪੋਨ 72 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 360, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 9 ਅਪੋਨ 72 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 360, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 45। ਅੱਗੇ 7 ਦੀ 72 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 360, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 35। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 4 ਅਪੋਨ 72 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 360, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 200 60 45।